हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेब एफिक्स। इस वीडियो में बात करेंगे लारावेल 10 के अंदर पेपाल रिफंड के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हमने एक वीडियो बनाया था पेपाल का, उसमें पेमेंट हो रहा था सारा कुछ पेपाल, हमने इंटीग्रेशन किया था लारावेल 10 के अंदर और सारा कुछ पेपाल का जो फ्लो था वो सब कुछ सही चल रहा था। तो काफ़ी सारे यूज़र ने मुझे बताया कि पेपाल रिफंड पे एक वीडियो बनाइए, तो आज इस वीडियो में मैं आपको पेपाल रिफंड करके दिखाऊंगा लारावेल 10 के अंदर। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। सबसे पहले यहाँ पे मैं जैम्प स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा जैम्प जो है सी ड्राइव के अंदर, ये मेरा 7.4 है तो मैं इसको ओल्ड, और ये मेरा न्यू है जैम्प, मतलब PHP 8 है। तो लारावेल 10 जो है PHP 8 सपोर्टेबल है। तो यहाँ पे लारावेल 10 पेपाल ये जो प्रोजेक्ट है मैं यहाँ पे डायरेक्टली रन कर देता हूँ PHP आर्टिजन सर्व, और ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट :8000 पोर्ट पे मैं रन करता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने पेमेंट वगैरह सब कुछ किया हुआ है, और ये मैंने प्रोजेक्ट जो है सबलाइम के अंदर ओपन करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये उसका URL है, पे विथ पेपाल करता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी के लिए, स्लैश पे विथ पेपाल किया और यहाँ पे अमाउंट डालने को पूछेगा। $10 में अमाउंट डालता हूँ और यहाँ पे सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद ये पेपाल की जो सैंड बॉक्स है वहाँ पर रिडायरेक्ट होगा, देखिए तो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पेपाल का जो सैंडबॉक्स का जो क्रेडेंशियल है वो आपका डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सैंडबॉक्स का क्रेडेंशियल कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ और ये मेरा जो है पासवर्ड है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। शायद यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड है वो मुझे रॉन्ग दिखा रहा है, एक बार वापस ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, मेरा पासवर्ड आई थिंक रॉन्ग है। तो ये जो है मेरा यहाँ पे पेपाल का, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं एक बार। देखिए पेमेंट सक्सेस हो चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पेमेंट का जो पूरा है। तो देखिए यहाँ पे जो है उसका कोड यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे पहले लॉगिन कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने एक्टिविटी की वो यहाँ पे है कि नहीं। $10 का पेमेंट हमने यहाँ पे किया तो वो यहाँ पे होना चाहिए एक्टिविटी के अंदर। ऑल ट्रांजेक्शन में करता हूँ, देखिए $10 का जो पेमेंट है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमने पेमेंट किया अभी $10 का, ठीक है। तो ये जो पेमेंट है इसको हम रिफंड कैसे कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है हमने कोड किया हुआ है, और पेपाल कंट्रोलर ऑलरेडी ये जो कोड है पूरा गिटहब में हमारा जो रिपोजिटरी है वहाँ पर मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं DD करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या क्या रिस्पॉन्स में आता हूँ वो मुझे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पेपाल के अंदर गया और कोड का जो ये स्टेटस है जहाँ पे सक्सेस होने के बाद पेमेंट स्टेटस चेक होता है वहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स आया है। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे और उसके बाद जो है रिफंड का जो प्रोसेस है वो यहाँ से आगे करेंगे। तो वापस मैं $10 का पेमेंट जो है वो करता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ ID वगैरह सब कुछ आया है, तो यहाँ पे ID जो है ये वाला, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके थ्रू ही यहाँ पे रिफंड जो है वो यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक और नया कोड करता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं जो है ID करके एक फील्ड बनाता हूँ, ट्रांजेक्शन ID, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल पास करता हूँ, और रिफंड का जो है यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिफंड। web.php के अंदर ये राउट जो है मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने राउट जो है रिफंड करके डिफाइन किया, और यहाँ पे ID पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ट्रांस ID कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे रिफंड, ठीक है, एड मनी कंट्रोलर, और यहाँ पे रिफंड जो है वो यहाँ पे, और इसके बाद जो है सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे अपना पेपाल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉल करना पड़ेगा। तो पेपाल कॉन्फ़िगरेशन =config:\get, और यहाँ पे हमने पेपाल का जो है पूरा बना के रखा था। देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर
पेपाल का जो पूरा है वो यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे रिफंड का जो ट्रांजैक्शन का जो आईडी है वो यहाँ पे हम लेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन आईडी हुआ, ठीक है। और यहाँ पे नीचे पेपाल पेमेंट इक्वल टू, यहाँ पे न्यू पेमेंट करेंगे क्योंकि एक तरीके से वो पेमेंट ही है, तो पेमेंट और पेमेंट इन्फो इक्वल टू ये वाला जो पेमेंट है उसको पॉइंटर करेंगे, और गेट अपना पेमेंट आईडी मतलब ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन आईडी कॉमा और $30 एपीआई कॉन्टेक्ट जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था सबसे हेडर के सबसे पहले, देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो ये जो है हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर देंगे एपीआई $30 कॉन्टेक्स्ट। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे डॉलर ट्रांजेक्शन इक्वल टू डॉलर ट्रांजेक्शन जीरो, और यहाँ पे मतलब जीरो का मतलब ये है कि अपना करंट जो है वो राउट सॉरी ओके पेमेंट इन्फो आएगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, पेमेंट इन्फो और यहाँ पे गेट ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे अगर एम्प्टी मिलता है तो उसका हम रिटर्न भी यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। अगर मुझे ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स एम्प्टी मिलता है, यहाँ पे जीरो पैरामीटर में मुझे अगर एम्प्टी मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। और अगर मुझे यहाँ पे इफ़ कंडीशन और करता हूँ मैं, डॉलर रिलेटेड रिसोर्सिस इक्वल टू डॉलर ट्रांजेक्शन, ठीक है, ज़ीरो, और यहाँ पे अपना गेट रिलेटेड रिसोर्स ये सारा फंक्शन है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर रिलेटेड रिसोर्स के अंदर पैरामीटर जो है करंट पैरामीटर आपको चेक करना पड़ेगा, एम्प्टी है रिटर्न फॉल्स करेंगे, ये हो गया। और यहाँ पे सेल का वेरिएबल बनाएंगे इक्वल टू डॉलर रिलेटेड रिसोर्स का जो ये पैरामीटर है वो हम यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उसके अंदर से ज़ीरो मतलब करंट वैल्यू लेंगे यहाँ पे गेट सेल पैरामीटर के अंदर। तो ये आपको यहाँ पे करना है, ये सारा कुछ पैरामीटर जो है वो पेपाल का है। डॉलर रिफंड करता हूँ मैं यहाँ पे इक्वल टू न्यू रिफंड, और ये जो रिफंड है आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा टॉप में, तो ये जो रिफंड ऐसे यहाँ पे आपको यूज़ करके रखना पड़ेगा, और ये जो रिफंड है वो डॉलर अमाउंट के अंदर पहले हम जो है उसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू न्यू और यहाँ पे अमाउंट अमाउंट हो गया ये वाला, और अमाउंट के बाद ये जो है सेट टोटल करके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और रिफंड का जो अमाउंट है वो आपको यहाँ से मिलेगा, तो रिफंड पॉइंटर करके अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे सेट करेंसी जो है यूएसडी हमने रखी हुई है तो यूएसडी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हो गया। और उसके बाद रिफंड और रिफंड वेरिएबल के बाद सेट अमाउंट डॉलर एएमटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और डॉलर रिफंड और उसका रीज़न जो है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और रीज़न के लिए यहाँ पे आपको देना पड़ेगा अपना सेल रिफंड करके, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये हो गया, मतलब इसको इतना जो पैरामीटर है वो रिक्वायर्ड है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और डॉलर सेल करके यहाँ पे वेरिएबल हमने जो बनाया है यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रिफंड करना है तो रिफंड और डॉलर रिफंड वेरिएबल जो है वहाँ पे पास करना पड़ेगा, और डॉलर दिस एपीआई कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया।
अगर हमारा रिस्पांस सही रहता है तो यहाँ पे मैं उसका डीडी करके देखता हूँ कि रिफ़ंड का जो है यहाँ पे रिफ़ंड सक्सेस अगर मैं पास करता हूँ यहाँ पे वेरिएबल न्यू, यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं कि ये जो हमारा रिफ़ंड है वो यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। तो ये डायरेक्टली पैरामीटर जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। पहले जो है मुझे रिफ़ंड का जो यूआरएल वो यहाँ पे देना पड़ेगा, तो पेपाल का यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉपी करता हूँ और स्लैश रिफ़ंड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आईडी है उसके थ्रू ही रिफ़ंड होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रन करके एंटर करता हूँ, कुछ एरर आया है, ओके। वापस एक बार ट्राई करता हूँ रिफ़ंड करने की। गेट ट्रांजेक्शन्स का जो है हमारा यहाँ पे वो शायद गलत है, तो एक बार देख लेते हैं, शायद कुछ ओके स्पेलिंग मिस्टेक है। एक बार रन करके वापस देखते हैं, सिंपली रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैं रन किया, ये जो है वापस हमारा फंक्शन रिफ़ंड का, और यहाँ पे रिफ़ंड का जो है कुछ एरर वगैरह यहाँ पे आया सैंडबॉक्स का। एक बार यहाँ पे वापस जो है पेमेंट करके देखते हैं, कभी कभी ये जो सैंडबॉक्स का इश्यू आता रहता है, तो एक बार वापस जो है पेमेंट करते हैं नया। तो पेपाल के लिए पे विथ पेपाल का जो यूआरएल है वापस मैं रन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे $15 का पेमेंट करता हूँ। इस बार सबमिट किया, और यहाँ पे ये जो है रिडायरेक्ट होगा पेपाल की सैंडबॉक्स के अंदर। कंटिन्यू टू प्रीव्यू ऑर्डर क्लिक किया, और यहाँ पे सैंडबॉक्स का जो पेमेंट है वो यहाँ पे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पेमेंट जो है वो तो हो रहा है, और उसके बाद ये जो आईडी मिला है उसको हम आगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये जो आईडी है आपको यहाँ पे यूआरएल के अंदर पास करना है रिफ़ंड के अंदर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक बार वापस रिफ़ंड करने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैंने दोस्तों एक जो है चेंजेस जो है ये मैंने गलत रख दिया, रिफ़ंड अमाउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता रिफ़ंड अमाउंट, ये मैंने वेरिएबल में यूज़ किया था आगे रिफ़ंड का टेबल। तो यहाँ पे मुझे स्टैटिक वगैरह सेट करना रहता है, या अदरवाइज मैं डेटाबेस से रहता हूँ तो यहाँ पे ऊपर मुझे वेरिएबल डिफाइन करने रहता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट जो है वो आपको लिखना रहता है। तो यहाँ पे मैं वापस एक बार पेमेंट करने की ट्राई करता हूँ नया पेमेंट, तो पे विथ पेपाल करता हूँ वापस एक बार पे विथ पेपाल। और यहाँ पे अगर मैं 35 USD का पेमेंट करता हूँ, सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद यहाँ पे स्टेटस जो है मुझे चेक करना होगा। रिडायरेक्ट हुआ पेपाल सैंडबॉक्स के अंदर 35 USD का पेमेंट। सिंपली कंटिन्यू रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, और यहाँ पे मुझे रिस्पांस जो है वो सक्सेस मिल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका रिस्पांस वगैरह सक्सेस आया है। तो यहाँ पे जो है आपको सारा कुछ मिल चुका है, और इसके थ्रू ही आप आगे का डायरेक्शन जो है प्रोजेक्ट का वो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। स्टेट वगैरह आपको कुछ यहाँ पे मिल चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो उसका स्टेटस है, सब कुछ आपको यहाँ पे जो है प्रॉपरली यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट कट हुआ, कौन सी ट्रांजेक्शन फ़ी लगी, जो सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके थ्रू ही आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का डायरेक्शन जो है आगे का यहाँ से मूव कर सकते हैं, और अपना लारावेल पेपाल रिफ़ंड कुछ ऐसे यहाँ पे काम करता है। तो ये था लारावेल 10 के अंदर पेपाल रिफ़ंड, और ये जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अपना जो स्टोर है उसके अंदर देखिए यहाँ पे रिफ़ंड आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है, और सब कुछ यहाँ पे अगर मैं ये जो है रिफ़ंड मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पे आईडी है तो उसके थ्रू मैं यहाँ पे पहले रिफ़ंड करता हूँ। शायद ये 10 USD का पेमेंट था, वही हमने रिफ़ंड किया हुआ, तो ऑलरेडी रिफ़ंडेड यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 USD का जो पेमेंट था वो हमने यहाँ पे रिफ़ंड किया, और सब में पार्शियली रिफ़ंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेटअप किया था 10 USD, तो सब में 10 USD का रिफ़ंड हुआ है। तो यहाँ पे अपना डायनेमिक वैल्यू सेट कर सकते हैं, और अपना जितना भी रिफ़ंड जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था लारावेल 10 के अंदर पेपाल पेमेंट गेटवे का रिफ़ंड। तो कुछ आप इस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लारावेल रिलेटेड PHP रिलेटेड प्रोग्रामिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।